6277 के एक बड़े सभी भैंस और 1,35,000 के प्रदेश जो प्रत्येक मंगलवार को जाते से खल खाएगी। आपको ये मारवाड़ की भैंस नहीं है जब जाते से 4 दिन 6 दिन ये 15 दिन 20 दिन तक खल नहीं खाएगी। हाँ। खल धरोगे तीसरे चौथे दिन ही बाल्टी भरेगी भैंस। तो भैंस खुलवाई हमने अनवर भाई की, जय श्री राम। किसान भाइयों, देपालपुर पशु मंडी देख रहे हैं आप, मध्य प्रदेश जिला इंदौर, और जहां से आप लोगों को एक से बढ़कर एक भैंस आज हम मंडी से दिखाने वाले हैं। तो ज़रूर पूरी वीडियो देखें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मैं हूं नरेंद्र प्रजापत, आप लोगों को भैंस दिखा रहे हैं। तो किसी भी तरह की भैंस खरीदने बेचने के लिए आप संपर्क करें 6267699975। तो ये गुरु जी का नंबर है जो यहाँ के एक बड़े अच्छे व्यापारी और भैंस दिलवाने में आपको मदद करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और हम भैंस को कवर करेंगे और आगे बढ़ते हैं हम। तो बड़ी बड़ी भैंसें आप लोगों को दिखाई जा रही है हमारी वीडियो के माध्यम से। देख लीजिए, इस भैंस को कवर करते हैं हम। और भाई कौन से ब्यात की भैंस है भाई? तीसरा ब्यात है। कहाँ की है भैंस? मारवाड़ जालौर। मारवाड़ जालौर सांचौर। और दूध कितना दे रही है? दूध तो देगी 7 किलो। 7 किलो? 7 किलो दूध दे रही है। और कीमत क्या लगा रहे हो? कीमत 1.5। 1.5 देने की? देने की 90। इस कितने दिन की जनी हुई है? 2 रोज की। बच्चा? बच्चा ही है बेटा। ठीक है भैया, एक सेट ये पनी का पाड़ा आया। आज पाड़े देखने को मिल रहे हैं मंडी में। लाओ, ये 2.5 साल का बच्चा है। हाँ, अभी 2 दांत पाड़ा है। अच्छा अच्छा, 80 नस्ल का पाड़ा है। क्या मांग रहे हो साहब? मांग 1,10,000 से। 1,10,000 जी। थोड़ा पीछे होना। और देने के क्या है साहब इसके? अब ठीक है, अजीत साहब का मान सम्मान रखेंगे। अच्छा 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 जी, कौन सी नस्ल बोलेंगे? ये बनी का बाड़ा है। बनी का? बनी जो गुजरात में आई पाकिस्तान बॉर्डर पे। अच्छा अच्छा, मांग दल बनी का है। कितने साल बता रहे हैं आप इसकी उम्र? 2.5 साल का है। 2 दांत पाड़ा, अभी दांत कर रहा है, दांत अभी चेर रहा है। अच्छा, हाँ रुक जा बेटा। और मांग क्या रख रहे हो? 1,10,000। 1,10,000 जी। तो पाड़े का भी व्यापार करते हो? हाँ, पाड़ा 80 नस्ल का पाड़ा है, लाते हैं। अच्छा, आप कहाँ से हो? हम जालौर से हैं। जालौर से हो? तो ये कहाँ तक दे देंगे अपन? हम दे देंगे 90,000 तक। 90,000 जी। ज्यादा तो हो जाएगा सर। देख लीजिए, 2 साल का पाड़ा दिखा रहे हैं देपालपुर पशु मंडी से। अच्छा है और शानदार पाड़ा। लो दादा, आगे लो उसको। देख लीजिए, अच्छी हाइट है, फुल हाइट में। अभी तो मारवाड़ से भैंसा आ रही है, ऐसे पाड़े रखते हैं हम। अच्छा अच्छा, लो आगे लो। अरे ब्रीडिंग करने लग गया है, भैंस हो जाती है आराम से आ रही है। और ये देख लीजिए, एक और पाड़ा खड़ा है भैंसों के बीच में। और ये अकरम भाई, अनवर भैया, देख लीजिए इनकी भैंसें।
अच्छी बड़ी भैंस है, दुधारू भैंस, इसको खुलवाते हम और कवर करते हैं। धीरे धीरे आराम, बहुत बड़ी हाइट और अर्डर क्वालिटी भी बहुत बड़ा है। ऑर्डर क्वालिटी देख लीजिए आप, बढ़िया। तो भैंस खुलवाई हमने अनवर भाई की, दादा दोनों भैंस चला के दिखाइए। और अच्छी बड़ी भैंस है जानवर भैया, नमस्कार। नमस्कार भैया, कितनी भैंसे लाए हो आज? दस आई है। तो ये जो बड़ी भैंस है जी, ये कितना दूध निकाल देगी? ये निकालेगी 8 लीटर टाइम का, दोनों टाइम का 16 लीटर। 16 किलो। कौन से ब्यांत की होगी? ये चौथे ब्यांत। अच्छा, कहाँ की है भैंस? जालौर की है ना? जालौर की। जालौर बाड़मेर। नहीं, अपने 4 साल। कीमत क्या लगा रहे अपन? कीमत इसकी 1.5 बोल रहे हैं। 1.5 लाख है ना? 8-8 किलो दूध बता रहे हैं। 8-8 लीटर ऑर्डर लगेगी। 16 किलो दूध तैयार है। और इसके साथ कौन सी खोली थी आपने? उधर वाली। उसके पास कितना दूध है? इसमें अभी हाजिर में 7 किलो। 7 किलो। ये कौन से ब्यांत की होगी? ये तीसरे ब्यांत। क्या मांग रहे हो? इसके 1.10 मांग रहे हैं। 1.10। ये भैया फाइनल कहाँ तक होगी अपनी बड़ी वाली? 16 किलो दूध वाली। 16 किलो वाली भाई साहब अपन दे देंगे 90,000 के आसपास। 90,000 के आसपास। तो 90,000 में ये 16 किलो दूध वाली भैंस मिल जाएगी देपालपुर पशु मंडी से। तो जरूर आप संपर्क करें। ये उस भैंस का सौदा 16 किलो दूध वाली का। हमको उनमें तो जो है तुम क्या बता रहे हो ना, हमारे क्या बता रहे हो? पैसे लोगे के लिए लोगे? बोलो। हम तो डबल मांगे कभी भी नहीं। डबल नहीं मांगे भाई, जो अपनी रीजनेबल रेट है वही मांगते हैं। झूठ मूठ मांग लो उससे क्या होता है। तो अच्छी दुधारू मुर्रा मारवाड़ की नस्ल की भैंस खरीदने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 6267699975। और दो भैंसे और अच्छी है, और हैं खुलवाओ ना। अरे इसको निकालो वरन जी। और दो भैंस और खोल रहे हैं, उधर ले उधर। इन दो भैंस का भी हम पूरी डिटेल जानते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। डालनी है, देख लीजिए, अच्छी भैंस है दोनों। और अर्डर क्वालिटी क्या जोटा का क्या मांग रहे थे आप? जोड़े के भाई साहब उनको बताया 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए रुमाल के नीचे ऐसे सौदा होता है। अच्छा, बताओ आप कहाँ से हो भैया? घाटा बिलो। आपने कितने लगाए? अभी नहीं लगाए, अभी देख रहे हैं, पूछ रहे हैं अभी भाव। अच्छा, तो कहाँ तक जमती है दोनों भैंस? अभी समझते हैं। अच्छा, अभी तो बाजार चालू ही हुआ है। नहीं, अभी आपने हाथ डाला था ना? हाथ डाला था, उनका भाव लिया अपन ने। हाँ, अब समझते क्या बताया उन्होंने? 2 लाख। 2 लाख रुपए। क्या नाम है आपका? फिरोज पटेल। सूरज फिरोज फिरोज पटेल घाटा बिलो।
फिरोज पटेल भैया जो घाटा बिलोत से हैं और 2 लाख मांगे हैं दोनों भैंस के, देखते हैं। और ग्राहक भी पहुंचे हैं, अच्छे ग्राहक आते हैं अनवर भैया के यहाँ। मंगलवार को देपालपुर मंडी लगती है और जहाँ पहुँचने के लिए आप इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार चारों दिशा से आ सकते हैं। और भैया क्या हालचाल? तो सभी दोस्त से निवेदन है कि इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं और अगली वीडियो ज़रूर देखिए आप। ये पहली वीडियो थी और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कुछ प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट करें और कोई सी मंडी देखना हो तो ज़रूर आप कमेंट करें। आपके कोई अच्छे सुझाव हो तो ज़रूर बताइए। और देपालपुर की भैंस खरीदना या कुछ जानकारी के लिए आप ज़रूर संपर्क करें। गुरुजी के नंबर हैं, अच्छे व्यापारी हैं, 6267699975। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। तो पहले भैंस देख लीजिए आप, सभी तरह की भैंस पहुंची है राजस्थान मारवाड़ मध्य प्रदेश के। उस पार्टी का वीडियो बना, एक नंबर पार्टी आ। कौन सी पार्टी? वो पीछे वाली, ये वाली। खुलवाओ ना इसको, ऐसे थोड़ी बनेगी। देखते हैं ये अच्छी नंबर की पार्टी है। कौन से ब्यात की में? ये पहला आती है। पहला आते पहला पाड़ी देख रहे हैं आप। देख लीजिए, चला के दिखा रहे हैं। तो हाइट, चाल, सिंगों की बनावट पहले में है। हाँ, पहला आदमी है, 3 रोज की जनी हुई है। अच्छा अच्छा, ये बच्ची है? हाँ बच्ची है, बहुत। ये बच्चा है? अच्छा बच्चा, 3 रोज की जनी हुई। 3 रोज की जनी। दूध क्या लगा रही है अभी? दूध अभी लगा रही है 5 किलो। क्या मांग रखे? मांग तो इसके 1.10 मांग रहे। सही बताओ यार। नहीं नहीं, अच्छी भैंस है तो नहीं, दूध वाली 1.10 बहुत ज्यादा। ग्राहक भी खड़े हैं सामने, देख लीजिए आप। 1.10 जी। भैया कहाँ से आए हो? बोरदा से। बोरदा, बोरदा, बोरदा बदनावर साइड? नहीं, बोरदा। अच्छा, धार साइड से हो। क्या नाम है आपका? दिनेश पटेल। पहले कभी आए देपालपुर? भैंस ले जाते हो? तो भैया ये भैंस जम रही क्या आपको? क्या कीमत में लगा रहे उसकी? आपको क्या कीमत लग रही है इसकी? 75,000 में लगा रहे। 75। तो भाई साहब आप कहाँ से हो? नागौर। कुचेरा। कुचेरा नागौर से। क्या नाम है अपना? सुखदेव। तो ये भैंस की कीमत तो बहुत ज्यादा लगाई आपने। ज्यादा लगाई साहब, भैंस हाथ भी नहीं आ रही अभी जंगल में। हाँ हाँ, नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी कहाँ तक अब फाइनल हो जाएगा या भैंस? ये बताइए। ये 1 लाख से कम नहीं देंगे। 1 लाख से कम नहीं दोगे? तो 1 लाख बता रहे हैं आखिरी कीमत भैया। आखिरी भैंस बहुत अच्छी है, नागौर जिला वाले। ये बच्चा भी बहुत अच्छा है। क्यों, कितनी भैंस लाए आप भैया? कितनी भैंस लाए हो? 20 लाए हो? 20 भैंस। ये भी अपनी है सब? ये दो ही दावनी अपनी है। देख लीजिए इनकी सभी भैंस, दिखा देता हूँ मैं। एक ही परिवार के। ये देखो पकड़ी वाला बाबा खड़ा है, देखो दो दो भाई सभी भैंस। और नागौर से पहुंचे हैं यहाँ के व्यापारी। और एक और भैंस देख लीजिए आप, जाफरा क्रॉस में है। ये पाड़ी बेची 1.5 की। बेच दी? हाँ। ये वाली? ये 1.5 में ये सेल हो गई है। और नागौर से आते हैं, अच्छी भैंस निकलती है नागौर, जो राजस्थान का एक बढ़िया भैंसों का जंगल है। 1.5 में ये भैंस सेल हुई है। और सभी तरह की भैंस मिल जाती है आपको, 50,000 से लगा के 1 लाख तक की भैंस मिलती है। देख लीजिए आप, ये किसकी है? अच्छा, बहुत नामी की मूत है ये।
इसकी क्या कीमत लगाई? 75। दूध दे रही है अभी? 5 किलो। 6 लीटर दे रही है। देख लीजिए तो इनकी एक और बड़ी भैंस जो नागौर की है दिखाते हैं। अच्छी भैंस है ये, खुलवाओ ये। तोड़ है ये, तोड़। कौन सी? ये देख लो ये। अच्छा पीछे लाओ, पीछे। इसके 35 कर रहे हैं। 1,35,000। मूरा नस्ल की ओरिजिनल है भैया। 1,35,000 मांग रखी है। और एसी देपालपुर धुंधड़ का कहीं से भी भैंस खरीदने के लिए आप 62-67-76-99-75 इस नंबर पर आप गुरुजी से संपर्क करें। ये पीछे से अर्डर क्वालिटी देख लीजिए आप। और ये बच्चा है, कितने दिन का है? बच्चा ये हो गया साहब 7-8 दिन का। क्या कीमत लगा रहे इसकी? इसकी लगा रहे साहब 95,000 रुपए दे रहे हैं। अच्छा अच्छा 35 मांग रहे हैं। 95 दे रहे हैं? 1,35 मांग कर रहे हैं। और 95 के ग्राहक लगे हुए हैं। अगले व्यापारी के पास पहुंचे हम और उनकी भैंस खुलवाई है। तो हाइट तो मीडियम है लेकिन कद काठी अच्छी है। पूछते हैं पूरी डिटेल। भैया कौन से ब्यांत की भैंस है? दूसरा है। दूसरे ब्यांत की भैंस देख रहे हैं आप, देख लीजिए, दूर से दिखाता हूं मैं। अच्छी भैंस है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन मीणा। सचिन जी मीणा। हाँ। उज्जैन से हैं। और ये दूसरे ब्यांत की जो भैंस, दूध कितना देगी है? इसके पास 12 लीटर तैयार है। अच्छा 12 लीटर तैयार है ना। कीमत क्या लगा रहे अपन? 1,500 मांग है। और फाइनल बैठक पर जरूर कम ज़्यादा होता है। तो भैया उज्जैन से हैं और अपने कौन है? अकरम भैया धर्मपुरी से। अच्छा अच्छा आप धर्मपुरी से हो? अकरम भैया धर्मपुरी से हैं। और भी इनकी बहुत सारी भैंसें हैं जो कहाँ की भैंस बोलेंगे भैया इनको? कहाँ? नागौर की है। नागौर की भैंस देख रहे हैं आप। तो एक और भैंस खुलवाते हम। देपालपुर पशु मंडी देख रहे हैं आप, जिला इंदौर मध्य प्रदेश, जो प्रत्येक मंगलवार को ये मंडी लगती है। और जरूर पहुंचे भैंस खरीदने। अच्छे अच्छे व्यापारी आते हैं यहाँ पे, जो राजस्थान जंगल मारवाड़ की भैंसें लेके आते हैं। भैया ये कौन से ब्यांत की भैंस है? तीसरा। दूध कितना दे देगी? 15-16 किलो दोनों टाइम का। क्या कीमत लगा रहे? 95। तो भैया कहाँ तक एक बैठक पर कहाँ तक जाएगी एक, फिर भी एक अनुमान कोई ग्राहक आता है अपने पास तो? 85-80 के आसपास। हाँ 85 है ना। तो भैया उज्जैन से हैं। और सुनील क्या नाम बताए? सचिन जी मीणा है। जरूर पहुंचे, इनकी दामनी लगती है इधर लास्ट में, देख लीजिए। तो जो इनके अकरम भैया सामने खड़े हैं उनसे हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो अकरम भैया ये अपने सभी भैंस कौन से जंगल की है? ये नागौर की है भाई। नागौर की। तो इसकी क्या खासियत होती है ये बताइए? तुरंत जाते से खल खाएगी आपको। ये मारवाड़ की भैंस नहीं है, जब जाते से 4 दिन 6 दिन ये 15 दिन 20 दिन तक खल नहीं खाए। हाँ। खल धरोगे 3rd-4th दिन ही बाल्टी भरेगी भैंस की। हाँ, तो मेरे पास अधिकतर ग्राहकों का फोन आया है कि भैंस ले जाते हैं तो कुछ खा ही नहीं रही है। ये जाते से तुरंत खल खाएगी नरन भी। अच्छा, और दूध पे लग जाएगी? बाल्टी भरेगी तीसरे दूसरे दिन ही बाल्टी भरेगी। अच्छा 6-7 लीटर दूध तीसरे दिन ही बाल्टी भरेगी आप। बच्चा भी लगाएगी? और बच्चा भी तुरंत लगाएगी। अपने यहाँ से अगर कोई भैंस ले जाता है तो अपन दूध की गारंटी लेंगे क्या? ठीक है, आधा एक लीटर ठीक है चलेगा, जैसे 7 बता रहे तो 6 तो देगी 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 गारंटी हमारी है ना। अब बेफिक्र रहो। तो देपालपुर पशु मंडी से अगर भैंस आपको खरीदना है तो अभी आप पहुंचे। अकरम भैया और ये सचिन भैया जो उज्जैन से हैं, ये धर्मपुरी से हैं, अच्छे व्यापारी हैं, नागौर की भैंस लाते हैं।
और इनसे भैंस ले जाइए आप। ये 7 किलो की भैंस है। ये 7 किलो की, 7 किलो दूध की भैंस है। दूसरे तीसरे दिन ही बाल्टी भरेगी भैंस। भैंस का घर देखो आप, बिल्कुल ताजी है। भैंस है देखो, भैंस वो बिल्कुल आरा नहीं है। भैंस के आंचल दुए खाले देखो भैंस। अच्छा आरा नहीं है, बिल्कुल आरा नहीं है भैंस, खाली घट भैंस है। हाँ सुबह शाम में इतनी लगेगी जितनी लगी तो सुबह शाम में लगेगी भैंस। भैया अगर हर को ऐसे नागौर की बोल दे तो अपन पहचान कैसे करेंगे? नागौर की भैंस नहीं, पहचान कैसे करेंगे थोड़ा सा ये बताइए ना आप। कुछ थोड़ी बहुत रहती है नागौर की पहचान? जंगल की भैंस खरीदी भी है, आप बोलोगे आप हमें सरपंच से बात करवा देंगे। अच्छा 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 ठीक है भैया। हाँ ठीक है भैया, है ना ठीक है।